आज सुबह जब आम देखते तो मैं सीधा शेक बनाने की प्रक्रिया में लग जाता हूँ, मगर जार टूटा होता है। कोई नहीं, हर समस्या का हल होता है। फिर जल्दी से आम को सुंदरता के साथ काट पीट कर आगे की कार्यवाही में लग जाता हूँ और बड़े ही फैंसी तरीके से सर्व करता हूँ। पापा और ताऊ सो रहे हैं, अरे जाग गए, और सभी बैठकर मस्त मैंगो शेक का आनंद उठाते हैं। दिन में फिर ठीक ठाक ठेस बुद्धि और पुनी आते हैं सेम टी शर्ट डालकर। ठेस बुद्धि कई दिन से कान खा रहा था कि इसे एक शर्ट चाहिए। ड्राइवर चेंज, और बड़ी शांति से हम कपड़ों की दुकान पर जाते हैं जहाँ पर काफी सारे देखने के बाद ठेस बुद्धि को कोई पसंद नहीं आते। मगर इस बहती गंगा में ठीक ठाक और पुनी अपने हाथ धो लेते हैं और चल देते हैं। ये किसकी बहन घूम रही है। फिर हम ठेस बुद्धि की डिमांड पर सदर की चाट कर लिए आते हैं बास्केट चाट का स्वाद लेने। सही बताऊं तो खाने में इतनी बुरी भी नहीं लगती। और इस जगमग से अपनी आंखों को चार्ज करके हम घर चल देते हैं, मगर कुछ सामान भी लेना होता है भांजों के लिए, ये थोड़ा जरूरी है। हाँ भाई ले ले। और अन्य जरूरी वस्तु खरीद कर फुर्ती से सीधा घर चल देते हैं, जहाँ मेरी बहन आके सबसे पहले अपने काम की चीज खोज निकालती है। युद्ध को चालू इसने किया था, मैंने सिर्फ समाप्त किया है।